सभी भाइयों को नमस्कार। भारत डायरी फार्म में आपका फिर से एक बार स्वागत है। जो भी फर्स्ट टाइम हमारे वीडियो को देख रहे हैं, हमारे वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और आपके जितने भी ग्रुप्स हैं उनमें शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग वीडियो को देख पाएँ। आज लगभग 28 भैंसें हमारे पास ताज़ी खड़ी हैं जो सेल के लिए उपलब्ध हैं। तो हम आपको कुछ भैंसों के आपको वीडियोस दिखाएंगे, डिस्क्रिप्शन बताएंगे। सभी भैंसें ताज़ी हैं, इनके काफ लगभग 8 से 10 दिन के बीच में हैं। जो इनकी मिल्किंग कैपेसिटी है 12 लीटर, 14 लीटर, 16 लीटर, 18 लीटर और एक भैंस है जिसकी कैपेसिटी 20 लीटर प्लस में भी है, वो भी आपको वीडियो में दिखाएंगे। हमारा जो एड्रेस है करनाल हरियाणा में मंजूरा विलेज है, हमारा फार्म वहाँ पर है और आपको इकट्ठी बफेलोज बहुत सी आपको यहीं पर देखने को मिल जाएंगे। ये जो आप भारी भरकम भैंस देख रहे हैं इसकी कैपेसिटी लगभग 20 से 21 लीटर की है। अभी इसका जो काफ है 6 दिन का काफ है, दूध जो है 17 लीटर अभी रेडी हो चुका है, तो ये 4 से 5 दिन में 20 लीटर क्रॉस कर जाएगी। बहुत ही भारी भरकम भैंस है, जैसे कि आप इसकी आर्डर क्वालिटी देख सकते हैं। हाइट में थोड़ी छोटी है पर आर्डर क्वालिटी बहुत ही शानदार है, जोशीला आर्डर है आप देख सकते हो। चारों थन का गैप आप चेक कर सकते हो। और ये जो आप दूसरी भैंस देख रहे हैं ये फर्स्ट लैक्टेशन में है, मिल्क इसका अभी 16 लीटर रेडी हो चुका है, अभी इसकी मिल्किंग हो गई है, ये मिल्किंग के बाद का वीडियो है, पर 16 लीटर मिल्क रेडी है। हाइट में लेंथ में बहुत ही शानदार भैंस है, जैसे कि आप देख पा रहे हैं सींग बिल्कुल छोटे हैं, पुट्ठा आप देख सकते हैं, हाइट वेट जो कि एक प्योर मुर्रा में करेक्टर होने चाहिए सभी करेक्टर इसमें मौजूद हैं। ये जो बफेलो आप देख रहे हैं ये सेकेंड टाइमर है, इसका मिल्क अभी 14 से 15 लीटर के बीच में है और जो इसकी कॉस्टिंग है वो है 98,000। और ये डेयरी पर्पज से बहुत ही अच्छी भैंस है, आराम से ये 15 लीटर एवरेज दूध निकालेगी और सेकेंड टाइमर है और साथ में इसके फीमेल काफ है, इसको 10 डेज हो गए हैं काफ दिए। और ये जो भैंस आप देख रहे हैं ये भी सेकेंड टाइमर है, इसका दूध भी एवरेज 15 लीटर के करीब हो चुका है और इसको काफ दिए हो गए हैं 12 दिन हो गए हैं और साथ में मेल काफ है जो कि 12 दिन का हो चुका है और ये 15-15.5 लीटर तक ही दूध निकालेगी जो इसकी एवरेज कैपेसिटी है। और इसकी जो कॉस्टिंग है वो 98,000 है, बाकी मौके पे जो भी होगा क्रिएट कर दिया जाएगा। और ये भूरी भैंस है और ये ब्राउन कलर में है, ये तो इसका जो दूध है लगभग 15-16 लीटर मिल्किंग की कैपेसिटी है और भूरी भैंस की बहुत डिमांड रहती है हमारे पास, ख़ास तौर से पंजाब में बहुत डिमांड है इसकी। इसको लकी भी माना जाता है डेयरी फार्म में, हर डेयरी में कहते हैं भैंस होनी चाहिए। और इसकी जो कॉस्टिंग है 1,05,000 है और साथ में इसके फीमेल काफ है। और ये जो अगली आप भैंस देख रहे हैं इसका मिल्क जो है 15-16 लीटर के बीच में है और सेकेंड टाइमर है, साथ में इसके फीमेल काफ है इसके भी, और लगभग काफ दिए हुए इसको 13-14 दिन हो चुके हैं। और आप ये आर्डर की क्वालिटी इसकी देख सकते हैं, बहुत ही शानदार आर्डर क्वालिटी की है। आप थनों का गैप देखें, आर्डर देखें, आप पीछे से देखें तो बहुत ही शानदार क्वालिटी की है। इसकी जो कॉस्ट है और ये जो भैंस आप देख रहे हैं इसकी मिल्क कैपेसिटी 12 से लेके 14 लीटर के बीच में है और ये सेकेंड टाइमर है, अच्छी हाइट अच्छी लेंथ की जोटी है जैसे आप देख रहे हैं। और जो इसकी कॉस्टिंग है वो 90,000 है और साथ में इसके मेल काफ है जो कि 12 दिन का हो चुका है। और आप ये जो भैंस देख रहे हैं ये सेकेंड टाइमर है, इसका मिल्क है जो 12 से लेके 13 लीटर के बीच में है और इसका काफ 10 डेज का हो चुका है, इसकी कॉस्टिंग है जो फाइनल है वो 86,000 है और ये सेकेंड टाइमर है, एवरेज क्वालिटी में है ये। ये जो भैंस है ये सेकेंड टाइमर है और इसकी मिल्क की कैपेसिटी 15 से 16 लीटर के बीच में है और इसकी जो कॉस्ट है 1,08,000 है और इसके साथ में फीमेल काफ है। आर्डर क्वालिटी आप देख सकते हैं, बहुत ही शानदार आर्डर क्वालिटी की है और थनों का गैप आप चेक कर सकते हैं कि चारों थन बराबर हैं और जो भी करेक्टर प्योर मुर्रा में होते हैं वो सब इसमें मौजूद हैं। आप आर्डर क्वालिटी देख सकते हैं, पूंछ देख सकते हैं, थनों का गैप देख सकते हैं, बहुत ही शानदार क्वालिटी में है। आप सींग देख सकते हैं, छोटे सींग हैं, अच्छे पुट्ठे की है, अच्छी हाइट और लेंथ में है जो जोटी है। ये जो आप भैंस देख रहे हैं थर्ड लैक्टेशन में है, मिल्क इसका लगभग 17 लीटर के करीब है जो कैपेसिटी इसकी है और थर्ड लैक्टेशन में है। आर्डर क्वालिटी आप देख सकते हैं, बहुत ही शानदार आर्डर क्वालिटी की, कि जैसे HF का आर्डर होता है उस क्वालिटी में है और मिल्किंग पर्पज़ के लिए डेयरी में रखने के लिए बहुत ही शानदार भैंस है जो आप इस वीडियो में देख रहे हैं।
और दूध इसका 17 लीटर के करीब जो इसका पीक होगा 17-17.5 तक जाएगी। और ये जो आप भैंस देख रहे हैं ये फर्स्ट टाइमर है, इसकी एज कटड़ी की लगभग 2.5 साल है और इसने काफ दिया हुआ है और मिल्क कैपेसिटी इसकी लगभग 10 लीटर है अभी, पर ये ब्यूटी में बहुत ही शानदार है। नेक्स्ट वेयर में हम इससे बहुत अच्छी उम्मीद करते हैं। तो अभी ये दो भैंसें हमने परचेज की हैं, तो अभी ये फार्म पर उतर रही हैं। तो रेगुलर हमारे पास ये भी सेकंड टाइमर है, बहुत शानदार भैंस है, मिल्क कैपेसिटी 18 लीटर है और जो इसकी कीमत है 1,25,000 है। बाकी भैंसें और भी हैं, आप कभी भी विजिट कर सकते हैं, ऑल ओवर इंडिया हमारी सप्लाई है और हर समय आपको लगभग 30-35 भैंसें मिलेंगी। तो वीडियो ख़त्म करते हैं और मिलते हैं आपसे जल्दी नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार।